क्या आपको पता है विराट कोहली की फेवरेट डिश कौन सी है? राम के छोले भटूरे। जी हाँ, छोले भटूरे विराट कोहली की फेवरेट डिश है। Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बनाने वाले हैं विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे की रेसिपी। तो यहाँ पे हम जो छोले बनाने वाले हैं वो पिंडी स्टाइल छोले होंगे। छोला यूज करना है काबुली चना, जिसे हम बोलते हैं, वो छोटा वाला यूज करना है। तो छोले बनाने के लिए जो हम छोले यूज करने वाले हैं वो ये छोटे वाले छोले होंगे। आप देख सकते हैं ये छोटे वाले छोले हमको यूज करने हैं। तो क्या है, जब ये पक जाएंगे तो इनका जो साइज होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले ना हमें एक बाउल लेना है, उसमें हमारे सारे छोलों को डाल देना। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हम छोटे वाले छोले यूज कर रहे हैं क्योंकि पकते भी अच्छे से हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ छोलों में पानी डाल रहा हूँ और पानी डाल के ना हमें रात भर इसको भिगो के रखना है। याद रहे इसमें जो पानी डालना है वो ऊपर तक डालना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोले रखे हैं और ऊपर तक पानी रखा है क्योंकि जब छोले फूलते हैं तो वो ऊपर तक पूरा आ जाता है। अब हमें ये छोलों को रात भर अच्छे से भिगोने के लिए रख देने हैं। तो सुबह आप देखोगे कि छोले अच्छे से फूल चुके हैं। अब इनको पकाने के लिए आपको एक कुकर लेना है, उसमें सारे भीगे हुए छोले को डाल देना है। अब एक पतला सा कपड़ा लेना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है करीबन 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें सूखा आंवले को डालना है और इन सब की पोटली बना के छोलों में रख देना है। इनसे छोलों में कलर आएगा। उसके बाद थोड़ा सा नमक, कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और आखिरी में डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब छोलों में पानी को डालना है। याद रखने वाली बात यह है कि छोलों में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही पानी डालना है कि इसमें थोड़ी सी उंगली बस भीग जाए क्योंकि हमें छोलों में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप या आधा किलो मैदे को लिया है। उसमें आपने पिसी हुई चीनी और नमक को ऐड करना है और 1 चम्मच आपने तेल मिलाना है इसमें, जो कि भटूरों को खुसखुसा करने में बहुत मदद करता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है, वो है 1 घंटे भीगी हुई सूजी। अगर सूजी को 1 घंटे तक भिगोगे तो वो आटे तक एकदम मुलायम हो जाएगा क्योंकि भटूरे में एक बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। अब इसमें मिलाना है आपको भीगा हुआ ईस्ट और इसको अच्छे से मिलाकर एक आटे की तरह गूंदना है। जैसे ये थोड़ा सा बनने लगे उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना है, जो कि है इसके आटे की पिटाई करना। हाँ जी, इसके आटे की पिटाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें ही जो आटे की लचक है वो आएगी। तकरीबन 10 मिनट इस आटे की पिटाई करने के बाद इसको एक बाउल में रख देना है। बाउल में रखने के बाद इसके ऊपर आटे की अच्छे से मालिश करनी है। एक हल्के से भीगे हुए कपड़े से इसको ढक देना है। अब इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक जरूर रखना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो इसको ओवन में रख देना। हाँ, याद रहे वो बंद होना चाहिए, इससे बहुत जल्दी फर्मेंट होता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको आटा 2 गुना फूला हुआ मिलेगा। आटा देखिए इतना फूल जाएगा कि आप इसमें घूंसे मारेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा। अब आपके धीरे से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपके इसको छोटे छोटे पेड़े निकाल लेने हैं। इसी तरह से बनाएंगे तो ब्रेड बनाने में बिल्कुल भी मशक्कत नहीं आएगी। ऐसे एक एक करके सारे पेड़ों को तोड़ लेना है और ग्रीस की हुई थाली के ऊपर रख देना है। अब इन सारे पेड़ों के ऊपर आपने तेल लगाना है ताकि ये मुलायम बने रहें। सारे पेड़ों पर तेल लगाने के बाद इनको हाथों से ऐसे रब कर देना है। इसके बाद इसको कपड़े से ढककर साइड में रख देना है। तब तक हमारे छोले भी पक चुके हैं। ये देखिए छोलों में रंग बहुत अच्छा आया है और आप देखेंगे यहाँ पे छोला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो देर किस बात की, कढ़ाई को करते हैं गरम और उसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घी और उसको अच्छे से गरम कर लेना है क्योंकि इसका हमको तड़का लगाना है। गरम होने के बाद सारे हमारे छोलों को इसमें डाल देना है। छोलों को डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है। याद रहे कि छोले पकने की प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए ताकि छोले धीरे धीरे गाढ़े होते रहें। इसमें तकरीबन 3 चम्मच आपको छोले मसाले मिलाना है। अगर आपको छोले मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखना। इसके बाद इसमें नमक मिलाएं और अच्छे से इसको चलाते रहें। जैसे कि मैंने पहले बोला है, छोले को आराम से पकने देना है। थोड़ी देर बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, जैसे तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर को मिलाना है और तकरीबन 2 चम्मच के आसपास इसमें लाल मिर्च को मिलाना है। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद चीरे लगी हुई हरी मिर्च को डालना है। लंबे लंबे बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़ों को भी डाल देना है। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिलाना है आपको ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसमें भीगी हुई इमली का पानी मिलाना है
ये इसमें खटास देगा और हमारे छोलों को बहुत बैलेंस बनाएगा। थोड़ी देर बाद इसमें हमको कसूरी मेथी को मिलाना है। पिंडी स्टाइल छोले बन रहे हो और कसूरी मेथी ना जाए तो कैसे हो सकता है। तो भाई अब छोलों को बहुत आराम से पकने देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग मिलानी है। अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर डालिएगा, अच्छा लगता है। इसके बाद तकरीबन 1 चम्मच आप इसमें घी डालें और छोलों को धीरे धीरे करके अच्छे से मिलाते रहें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि छोले अच्छे से गाढ़े होना चालू हो गए हैं। यहाँ पे छोलों को आपको कम से कम 10 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक कि छोले ऐसे पक कर एकदम इकट्ठे ना हो जाएं। तो भाई अब हमारे छोले तो तैयार हो गए हैं। अब हम करते हैं कढ़ाई को गर्म और उसमें डालते हैं तेल को। तेल गर्म होने के बाद हमको उबले हुए पीसेस में कटे हुए आलूओं को उसमें डालना है ताकि अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। आलूओं को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पका कर निकाल कर साइड में रख देना है। इसके हम मसाले वाले आलू बनाएंगे बाद में। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैदे की जो हमने लोई बनाई थी उसको लेना है और अच्छे से गोल करके उसको बेलने के लिए तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं आटा वैसे ही बहुत लचीला है, चाहे तो आप इसको हाथों से भी फैला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसको हाथों से फैलाऊंगा। उसके बाद बेलन की सहायता से इसको लंबा लंबा अच्छे से बेल लूंगा। देखिए आकार आप कोई सा भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लंबा लंबा बेला है। आप चाहें तो इसको गोल भी बेल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको लंबा लंबा बेलने के बाद जैसे ये बेल जाए इसको गरम गरम कढ़ाई के तेल में डाल देना है। याद रहे कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए और तेल एकदम गरम होना चाहिए, धुएंदार वाला। जैसे आप भटूरे को डालें इसके ऊपर ऐसे तेल को डालना चालू कर दें, इससे भटूरा फूलना स्टार्ट हो जाएगा। भटूरे को आपको दोनों साइड तक अच्छे से सेक लेना है। लीजिए आपके भटूरे भी तैयार हो जाएंगे। हमारे फ्राई किए हुए आलू को लेना है आपने, इसमें थोड़ा सा नमक, छोले मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, आखिरी में भीगी हुई इमली के पानी को डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। तो लीजिए विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे तैयार हो चुके हैं, जिसमें हमने पिंडी छोले को बनाया है और क्रिस्पी भटूरे बनाए हैं। तो भाई मैंने तो विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे बना भी लिए हैं और यकीन मानिए टेस्ट में इतने बढ़िया थे ना कि मज़ा ही आ गया। तो आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको विराट कोहली पसंद है कि नहीं है। हाँ दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, साथ में आप दूसरी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं इसको भी कमेंट में जरूर बताना। देखिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी दी हुई सारी रेसिपीज़ को हम बना सकें। और हाँ, हमारे अगर वीडियो पसंद आया तो विराट कोहली के फ़ैन होने के नाते एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखना और ये बताना कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बाकी मेरे एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रेसिपी कितनी मस्त बनी है, तो आप ही इसको जल्दी बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे आती रहेगी।